हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। अभी हम लोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या वैसे हम 11 ही देखे थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नीड और डेयर को, यह भी एक प्रकार के मॉडल्स ही है, लेकिन इसकी कुछ अलग क्वालिटीज है जिसके चलते इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब के श्रेणी से अलग रखा जाता है। तो आइए समझते हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना, और नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या जरूरत होना। देखिए, डेयर जो है इसका यूज एज अ मेन वर्ब भी किया जाता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी, मतलब मेन वर्ब के जैसे और हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी डेयर का यूज होता है, और नीड भी एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब के रूप में नीड का भी यूज होता है। और यही कारण है कि इसको मॉडल एक्सिलरी वर्ब के श्रेणी से अलग करके, बल्कि इसको सेमी मॉडल्स कहा जाता है, बिकॉज इसका यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। इसके पहले हम लोग जो भी मॉडल्स पढ़े हैं, कैन, कुड, शैल, शुड वगैरह, उसका यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, लेकिन ये दोनों का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों फॉर्म में होता है। यही कारण है कि इन्हें सेमी मॉडल्स या मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको जानेंगे, और उसको जानने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने में। तो देखिए, आइए पहले हम इस फॉर्मेट को समझते हैं। या देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डेयर के बारे में। तो डेयर हो या नीड हो, यहां पे एज अ मेन वर्ब जब इसका यूज करेंगे, तो जब मेन वर्ब के फॉर्म में यूज होगा तो इसका यूज हम पॉजिटिव के लिए भी कर सकते हैं। या देखिए, प्लस लिखने का मतलब जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका यूज हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज हो सकता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज हो सकता है। लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब जब इसका यूज करना होगा तब निगेटिव सेंटेंस में होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम नीड या डेयर का यूज करते हैं तब उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना गलत होता है, उसका पॉजिटिव हम नहीं बना सकते। एज अ हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका यूज होगा, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो देखिए, इन एग्जांपल्स को समझने से पहले हम आपको दो छोटी छोटी बात बता रहे हैं, अब आप इसको केयर कीजिए। देखिएगा, कोई एक ही सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस में हमें दो मेन वर्ब का यूज करना, क्या ऐसे पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। एक सेंटेंस में हम दो मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल से समझिए, हम यहां लिख दिए मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। अब देखिए, इसमें दो वर्ब है, कौन कौन सा? एक वर्ब है बोलना, एक वर्ब है चाहना। अब देखिए, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, आई और लास्ट वाला जो वर्ब है ना, इसको पहले लिखते हैं तो हो जाएगा आई वांट, और फिर बोलना, तो बोलना का क्या होता है, स्पीक। और देखिए, यहां जो पहला वर्ब लगा है और उसके बाद ठीक हम लिखते हैं दूसरा मेन वर्ब, लेकिन इसके बीच में हम टू का भी यूज करते हैं, यानी लास्ट में जो हिंदी में वर्ब आता है उसको हम पहले लिखकर और पहले वाले को लास्ट में टू के साथ लगाते हैं, इसी को 2+V1 जो फॉर्म है जिसको हम इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि मेन वर्ब का किसी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस हो तो एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज कदापि नहीं। अब देखिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो फिर लौटिए। अब एक और चीज आपको पता ही होगा कि कभी भी जब हमको सेंटेंस को निगेटिव बनाना होता है, यानी नॉट लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगाते हैं। जब हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में पहले निकाल देते हैं। यह छोटी छोटी प्रोसेस हमें पहले से ही पता है। अब देखिए, यहां एग्जांपल्स हम समझते हैं और ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम लिखे हैं एज अ मेन वर्ब, यहां जो एग्जांपल्स लिखा गया है इसमें डेयर का यूज हम मेन वर्ब के फॉर्म में किए हैं और इधर डेयर का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किए हैं। समझिएगा, मेन वर्ब के रूप में जब हम करेंगे तो डेयर भी मेन वर्ब है और गो भी क्या है,
मेन वर्ब है, डेयर भी मेन वर्ब के रूप में यूज किया और वो भी क्या है मेन वर्ब है। जब दो मेन वर्ब एक साथ आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में टू का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मेन वर्ब पहला वाला और दूसरा वाला इन्फिनेटिव के रूप में आएगा तो टू प्लस भी वन होगा। यानी ये जो सेंटेंस है गलत नहीं है, सही है। वी डेयर टू गो, यानी हम लोगों की जान, हम लोग जाने का हिम्मत रखते हैं, हम लोग जाने का हिम्मत करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और जब भी डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा तब यहाँ पे डेयर के बाद हमें टू का भी यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जब निगेटिव बनाना होगा तो हमको पता है कि जब नॉट लगाना होता है निगेटिव बनाने के लिए तो मेन वर्ब के बाद तो नॉट लगाएंगे नहीं, नॉट लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और यहाँ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, बिकॉज डेयर भी मेन वर्ब गो भी मेन वर्ब, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चुनना पड़ेगा ना। देखिए डू चुने हैं बिकॉज वी के साथ डू लगता है, तो वी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगा ना, डू प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ पे डू हम वर्ब चुने हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हो गया वी, और डू के बाद नॉट लगा दिए और फिर डेयर टू गो। चाहे वो मतलब पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, हमें मतलब ये इन्फिनिटिव का यूज करना ही, अगर डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। निगेटिव बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा, डू को बाहर निकाल दिए तो क्या हो गया, डू वी डेयर टू गो, डू वी नॉट डेयर टू गो, यानी हम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्या हम लोग जाने की हिम्मत करते हैं, क्या हम लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, ऐसे सेंटेंसेज है। अब आप लौटिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं एज अ मेन वर्ब इसका यूज करेंगे डेयर का, लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट यहां प्लूरल था, लेकिन यहां पे हम सब्जेक्ट को क्या कर दिए, सिंगुलर कर दिए, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप बताइए मेन वर्ब का फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल यूज करते हैं, और हमें पता है कि मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना पड़ता है, नाउन का उल्टा होता है, नाउन में जब एस लगाइएगा तो प्लूरल होगा और वर्ब में जब एस लगाइएगा तो सिंगुलर होगा। देखिए ही सिंगुलर वर्ब है ना, तो ही के बाद जब चूंकि डेयर का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो इसको ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में क्या करते हैं, एस लगाते हैं, तो हो गया ही डेयर्स टू गो, यानी ये सेंटेंस सही है। हमें निगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सिंगुलर ये ही है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी हमें लेना होगा, तो डज हम चुनेंगे बिकॉज ये सिंगुलर है तो एस लगा होगा जिस वर्ब में वही सिंगुलर होगा, तो ही डज नॉट, और जब यही एस लग गया तो यहाँ डेयर में एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट डेयर टू गो। और इंट्रोगेटिव करने के लिए डज को बाहर निकालेंगे और फिर, तो इसका मतलब हो गया क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है, क्या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए, अगर ये अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ तो टेंशन मत लीजिए, जब नीड का एग्जांपल लिखेंगे तब तो वहां और क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सेम चीज रिपीट करेंगे। आइए यहां पे वी डेयर गो एज अ हेल्पिंग वर्ब यहां यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे, तो क्या लिखे हैं वी डेयर गो। अब देखिए ना, हम ऊपर ही लिख दिए हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड और डेयर का यूज होता है तो केवल निगेटिव सेंटेंस में होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। तो देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव सेंटेंस में तो इसका यूज होता ही नहीं है, यानी ये गलत है, बिकॉज पॉजिटिव सेंटेंस में नीड और डेयर का यूज हम नहीं करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के रूप में हम कर सकते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसको हम नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव बनाइएगा तो ये डेयर तो हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में ना यूज कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वी डेयर, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, नॉट लग जाता है। मेन वर्ब के रूप में यूज करना होता तब ना अपने से हेल्पिंग वर्ब चुनना पड़ता जी, यहाँ तो डेयर का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किए हैं तो फिर हमें दूसरा हेल्पिंग वर्ब चुनने की जरूरत नहीं है, इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगा देंगे, तो हो गया वी डेयर नॉट गो। आज जब इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम इस डेयर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बिकॉज यही हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर वी गो डेयर वी नॉट गो, यानी हम लोगों को वहां जाने की हिम्मत नहीं है, हम क्या हम लोग वहां जाने की हिम्मत रखते हैं, क्या हम लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए सब्जेक्ट को हम सिंगुलर करके देखते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है ना,
पॉजिटिव सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर का यूज नहीं होता है। लेकिन जब इसको निगेटिव करना है तो थोड़ा सा केयर कीजिए आप यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट। अब कहेंगे सर यहाँ पे आप ही के साथ डेयर्स लगाए थे, यहाँ पे डेयर में एस क्यों नहीं लगा रहे? देखिए डेयर, अब डेयर में एस हम इसलिए नहीं लगाए बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का यूज किया है। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब में कभी एस लगाओ आप देखे? जैसे हम कहेंगे कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, यानी आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। अगर इसी को ऐसे बनाना हो वह क्रिकेट खेल सकता है तो क्या ही कैन में एस लगाएंगे हम? नहीं, कैन थोड़े लिखते हैं, सुड में एस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। आप कभी देखे वेयर वाज हैज हैव में एस लगाए हुए? नहीं लगता, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में एस क्यों लगाएंगे? वह यहाँ डेयर भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है इसलिए इसके बाद भी हम एस का यूज नहीं करेंगे। ही डेयर नॉट गो यानी उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है। डेयर ही गो यानी क्या उसे वहां जाने की हिम्मत है? डेयर ही नॉट गो क्या उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ था तो दो मेन वर्ब एक साथ आ रहा था इसलिए बीच में टू लगा रहे थे, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो यहाँ दो मेन वर्ब तो आ नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे टू का यूज करना गलत होगा। अब आइए इसके बाद, ये जो एग्जाम्पल हम रखे थे ये किस टेंस का था? ये था प्रेजेंट टेंस का। अब आइए इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल्स पास्ट और फ्यूचर में भी हम समझते हैं। अब देखिए कुछ पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी एग्जांपल्स हम लिखे हैं, और एज अ मेन वर्ब जब डेयर का यूज करना है पास्ट में तब हम क्या करेंगे? ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है। तो देखिए जैसे कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। जैसे शुड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड हैव। मस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मस्ट हैव। वैसे ही डेयर का पास्ट फॉर्म होता है डेयर्ड। डेयर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डेयर्ड। अब देखिए यहां पे मेन वर्ब के रूप में जब उसका इस्तेमाल करेंगे तब डेयर का पास्ट फॉर्म डेयर्ड ही होगा, तो क्या होगा? ही डेयर्ड। और चूंकि ये मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है तो दो मेन वर्ब जब यूज एक साथ एक सेंटेंस में कर रहे हैं तो बीच में तो टू लगाना ही पड़ेगा। ही डेयर्ड टू गो। ही और देखिए अब निगेटिव कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब अपने से चुनेंगे, और ये पास्ट है तो डू डज नहीं चुनेंगे बल्कि पास्ट के लिए क्या चुनेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। ही डिड के बाद नॉट लगा देंगे, और फिर चूंकि यही वर्ब टू कर दिए ना, दूसरा वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म की जरूरत नहीं है, यहाँ डेयर ही रहने देंगे। तो हो गया ही डिड नॉट डेयर टू गो। इंट्रोगेटिव करना होगा तो डिड को बाहर निकाल देंगे, डिड ही डेयर टू गो, और फिर डिड ही नॉट डेयर टू गो यानी क्या उसे जाने की हिम्मत, क्या वह जाने का हिम्मत करता था या क्या वह जाने का हिम्मत नहीं किया। अब देखिए यहां जब फ्यूचर में इसका यूज करना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ही के साथ विल लगाते हैं ना फ्यूचर में, ही विल, और ये तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब दो को यूज किए इसलिए बीच में टू भी लगाना पड़ा है, तो हो गया ही विल डेयर टू गो, मतलब उसे जाने की, वह जाने की हिम्मत करेगा। ही विल नॉट डेयर टू गो, यहां विल हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगता है, तो हो गया वह वहां वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिए इंट्रोगेटिव करने के लिए, क्या वह जाने की हिम्मत करेगा, क्या वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा, तो ये सारे सेंटेंसेस सही है। अब आइए देखते हैं पास्ट टेंस में डेयर का किस प्रकार हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज की हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड और डेयर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज करना गलत है, केवल निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो यहां लिखे हैं निगेटिव सेंटेंस में ही, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? डेयर, चूंकि पास्ट है ना डेयर का, ही डेयर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है तो ही डेयर नॉट गो। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे इंट्रोगेटिव करने के लिए तो फिर हो जाएगा डेयर्ड ही गो, यानी क्या उसे वहां, क्या उसे जाने की हिम्मत हुई? डेयर्ड ही नॉट गो यानी क्या उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो देखिए अगर ऐसे सेंटेंस है ना कि उसे जाने की हिम्मत नहीं हुई तो आप ऐसे भी बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो, ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। क्या उसे वहां, क्या उसे जाने की हिम्मत हुई तो इसके लिए दोनों सही है, ये भी क्या उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई तो ये भी सही है और ये भी, दोनों सही है, दोनों इक्विवेलेंट एग्जांपल्स है, ठीक है।
अब आइए यहां फ्यूचर के एग्जांपल्स इधर हम देखते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में तो यूज करना इसका गलत ही है, पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते पहली चीज। लेकिन यहां पे किसी में भी यूज, ना पॉजिटिव यूज करेंगे ना नेगेटिव यूज करेंगे ना इंट्रोगेटिव यूज करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर का यूज फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। अब मन में सवाल आएगा कि आखिर भाई इसका क्या कारण है, तो देखिए क्या कारण है। अब ये बताए ना कि किसी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, किसी भी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब बताइए विल बी हेल्पिंग वर्ब है ना, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, और साथ ही साथ डेयर का भी यूज हमें किस रूप में करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो डेयर भी हेल्पिंग वर्ब, यू विल भी हेल्पिंग वर्ब, और बिना विल लगाए बिना सेल लगाए फ्यूचर टेंस बना सकते हैं क्या, हम नहीं बना सकते हैं। और यानी सेल विल लगाना पड़ेगा एक हेल्पिंग वर्ब, और एक हेल्पिंग वर्ब नीड और डेयर कैसे संभव है, एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता है। इसलिए जब नीड और डेयर का एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तब हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करना गलत होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। क्लियर हुआ ये चीज। अब आइए कुछ एग्जांपल्स हम नीड पर भी रख के समझते हैं। तो देखिए नीड के एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से एग्जांपल दिया गया है ही, और एज अ मेन वर्ब यहाँ नीड का यूज किया है, तो ही के साथ तो इसको ही सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। ही नीड्स टू मीट मी, यानी वह उसे मतलब मुझे उसे मुझसे मिलने की जरूरत है। He needs to meet me. Sentence सही है, because he singular है, इसलिए singular main verb को भी होना चाहिए। तो main verb में s लगाए हैं singular बनाने के लिए, और चूंकि दो main verb एक साथ यूज हुआ है इसलिए बीच में टू का यूज किए हैं, तो सेंटेंस पूरा सही है। फिर निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज नीड का भी यूज मेन वर्ब के फॉर्म में कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब अपने से चुनना पड़ेगा। अपने से हेल्पिंग वर्ब हम क्या चुने हैं, डज चुने हैं, तो क्या हो गया, ही डज नॉट नीड टू मीट मी, यानी ये भी सेंटेंस सही है। और यहाँ इंट्रोगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे, डज को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा डज ही नीड टू मीट मी, यानी ये भी इंट्रोगेटिव वाला भी सही है। अब आइए हम देखते हैं कि एज अ मेन वर्ब इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में देखा, और एज अ मेन वर्ब इसका यूज हम देखते हैं पास्ट टेंस में कैसे होगा। तो देखिए नीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, नीडेड, तो हो जाएगा ही नीडेड, और ये मेन वर्ब है ये भी मेन वर्ब है तो बीच में टू लगाना पड़ेगा। ही नीडेड टू टॉक, उसे बात करने की आवश्यकता थी। ही, और देखिए यहां निगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डिड चुनेंगे। ही डिड नॉट नीडेड टू टॉक, यानी उसे बात करने की आवश्यकता नहीं थी। डिड ही नीड टू टॉक, यानी क्या उसे, एक मिनट, यहां देखिए वर्ब टू पहले ही हो गया है इसलिए यहां से वर्ब टू हम हटा देंगे। डिड ही नीड टू टॉक, यानी क्या उसे मतलब बात करने की आवश्यकता थी, यानी ये सेंटेंसेस सही है। अब देखिए एज अ मेन वर्ब नीड का यूज हम कर रहे हैं फ्यूचर में, तो क्या होगा, ही विल नीड टू, बिकॉज फ्यूचर में हम सेल विल का यूज करते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल विल आया है लेकिन नीड आया मेन वर्ब के रूप में, और कम भी मेन वर्ब है इसलिए बीच में टू लगाना पड़ा है। ही विल नीड टू कम, मतलब उसे आने की जरूरत नहीं होगी, उसे आने की जरूरत होगी, उसे आने की जरूरत नहीं होगी, और विल को बाहर निकाल दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया, क्या उसे आने की जरूरत होगी। अब आइए हम नीड का यूज देखते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो एज अ हेल्पिंग वर्ब नीड का यूज जो है एज अ मेन वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, और फ्यूचर टेंस में भी, यानी मेन वर्ब के भांति जब इसका यूज करना होगा तो तीनों में होगा। लेकिन जब इसका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब हम करते हैं तो केवल प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होता है। अब देखिए अब आपके मन में आएगा कि सर जब डेयर का आप यूज किए तो एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में भी आप यूज कर दिया और पास्ट टेंस में भी यूज किए, फ्यूचर में यूज नहीं किए। और हाँ, इसमें भी हम फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे, इसलिए फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसको भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है। लेकिन नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब केवल प्रेजेंट टेंस में हम कर सकते हैं, और ये भी ध्यान दीजिए प्रेजेंट टेंस में भी, पॉजिटिव सेंटेंस में तो होगा नहीं,
तो ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस मेरा गलत है, बिकॉज नीड और डेयर का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं किया जाता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज निगेटिव में कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसका यूज हम क्या कहते हैं पास्ट टेंस में भी नहीं करते हैं, फ्यूचर टेंस में नहीं करते, इसके कारण तो हम बताएं पास्ट टेंस में भी नहीं करते। देखिए यही इंग्लिश का ब्यूटी है कि कुछ नियम यहाँ पे है और नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है, और उन नियमों के अनुसार ही डेयर का यूज तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी कर देते हैं, लेकिन नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं करते। और देखिए डेयर का भी यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में हम कर सकते हैं, लेकिन ऑकेजनली, मतलब बहुत कम, सामान्य, मतलब शायद ही कभी उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मतलब पास्ट टेंस में होता होगा, हम तो कभी नहीं देखे हैं, लेकिन नियम कहता है कि उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल है, आपने वहां जाने की हिम्मत कैसे की। अब यहाँ पे हिम्मत की बात है तो डेयर का यूज करेंगे, और एज अ मेन वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में हम आपको यूज करके दिखाते हैं। पहली चीज कि ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है कि आप वहां जाने की हिम्मत कैसे किए, वहां आप गए लेकिन पास्ट टाइम में आप गए हैं। तो देखिए पास्ट टेंस में इसका यूज करना है, दोनों तरीके से हम बनाएंगे। पहले एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो क्या होगा, ये WH क्वेश्चन है तो WH वर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें अपने से चुनना पड़ेगा। पास्ट टेंस है तो अपने से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। हाउ डिड आपने, यानी यू, हाउ डिड यू, और फिर डेयर, डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, डेयर टू गो मेन वर्ब के रूप में दो वर्ब आया इसलिए बीच में हमें टू लगाना पड़ा, हाउ डिड यू डेयर टू गो डेयर, ठीक है। अब देखिए इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब मान के हम बनाएंगे तो क्या होगा, हाउ, और एज अ हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ही डेयर हो गया, तो आपको डेयर को ही बाहर निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा हाउ डेयर यू, और यहाँ पे टू यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते तो टू की जरूरत नहीं है, बिकॉज दो मेन वर्ब जब होगा तब तो टू लगेगा, लेकिन यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो एक ही ना मेन वर्ब बच रहा है केवल जाना, तो हो गया हाउ डेयर यू गो डेयर, ठीक है जी। अब आइए इसके बाद सेकंड, दूसरा है, आपको मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई। इसको बनाते हैं हम तो क्या बनाएंगे, पहले एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं हाउ, और ये देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, समझना है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं और बात करने में कोई हमको बेवकूफ बोल दिया, तो हम बोलेंगे आपको मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो जब बोल रहे हैं ये बात तब तो प्रेजेंट टाइम ही है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे क्या, डू, हाउ डू यू डेयर, और एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू भी चाहिए, हाउ डू यू डेयर टू कॉल मी अ फूल, कॉल मी अ फूल, यानी आपको मुझे मूर्ख कहने की, बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसे हुई। अब इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हाउ, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो डेयर को ही बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब है, हाउ डेयर यू, टू का भी यूज नहीं करेंगे तो क्या बचा, कॉल मी अ फूल, ठीक है। अब देखिए तीसरा, अगर आप व्यस्त हैं, यानी क्या हो जाएगा, इफ यू आर बिजी, अगर आप व्यस्त हैं आपको आने की आवश्यकता नहीं है, यानी यू नीड, और सॉरी अब इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब, पहले तो नॉट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब अपने से चुनना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, डू हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे, यू डू नॉट, और नीड तो मेन वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, यू डू नॉट नीड टू कम, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो क्या बनाएंगे, इफ यू आर बिजी, अगर आप व्यस्त हैं, यू और हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही नीड आ गया तो नीड को ऐसे ही लिख देंगे, यू नीड और हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो नॉट लग ही जाता है, यू विल, यू नीड नॉट कम, आपको आने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चौथा है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, तो इसको कैसे हम बनाएंगे, यू एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, यू और एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने से चुनना पड़ेगा, तो हो जाएगा यू डिड नॉट, बिकॉज ये पास्ट टेंस है ना, था थे दिख रहा है, तो डिड चुनेंगे, यू डिड नॉट और नीड टू टेल मी, टू टेल मी मतलब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं थी,
इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब मान के हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम पहले ही बताए कि नीड का एज अ हेल्पिंग वर्ब, नीड का यूज हम नहीं करते हैं पास्ट टेंस में। एज अ हेल्पिंग वर्ब नीड का यूज केवल प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद पांचवी एग्जांपल है, उसने इस नदी में कूदने की हिम्मत नहीं की, तो क्या होगा? ही डिड नॉट डेयर टू जंप इन टू, डेयर टू जंप इन टू दिस रिवर। फिर इसके बाद इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब हम बनाते हैं तो क्या होगा? ही डेयर नॉट टू, यहां देखिए एज अ हेल्पिंग वर्ब और ये पास्ट टेंस है तो डेयर्ड करना पड़ेगा बिकॉज पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डेयर का डेयर्ड हो जाता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब डेयर का यूज पास्ट फॉर्म में किया जाता है। ही डेयर्ड नॉट टू जंप इन टू दिस रिवर। तो ये काफी आसान तरीके से हम इसको बना ले रहे हैं। अब देखिए, मैं उसे सच बताने का हिम्मत नहीं कर सकता, इसको कैसे बनाएंगे? आई और कर सकता, तो कैन लगेगा ना जी, हो गया आई कैन। और मैं उसे सच बताने का हिम्मत नहीं कर सकता, आई कैन और नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा ना, आई कैन नॉट डेयर। अब देखिए यहां पे आपके मन में आएगा कि सर ये डेयर एज अ मेन वर्ब है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब है? आपको बता दें हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी ये हो चुका है ना, तो एक और हेल्पिंग वर्ब आ सकता है क्या? कभी कभी नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। आई कैन नॉट डेयर और एज अ मेन वर्ब यूज हुआ तो टू लगाना पड़ेगा ना। अब आई कैन नॉट डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ। टेल हिम द ट्रूथ मतलब मैं उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकता, और एज अ हेल्पिंग वर्ब डेयर का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि कैन भी हमें लगाना है और कैन और डेयर दोनों हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार हम बहुत सारे एग्जांपल्स का भी प्रैक्टिस कर लिए ट्रांसलेट करने के लिए। अब देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हम लोग पढ़ लिए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब प्रैक्टिस कराएंगे मॉडल और सेमी मॉडल, यानी मॉडल और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब से, जो एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो एक दो वीडियो हम उसका अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।